शादी तो तुम्हें युग से ही करनी होगी। अच्छा होगा अगर तुम अपना माइंड सेट कर लो। What? Have you lost it? ऑर्डर दे रही हो हमें? ऑर्डर रिक्वेस्ट जो चाहे समझ लो। बुरा लग रहा है तो चाटा मारो या धक्का देकर गिरा दो हमें यहाँ से, पर तुम्हें हाँ करनी होगी। ओके नाउ आई नो। तुझे किसी ने भांग तो नहीं खिलाई ना? हम पूरे होश में तुमसे ये कह रहे हैं। Really? अगर ऐसा है तो डोंट यू डेयर बड़के पापा की चमची। हाँ है हम बड़के पापा की चमची, और तुम क्या हो? ताई जी के हाथों की कठपुतली। ओ कट द क्रैप, बकवास बंद करो। बकवास नहीं कर रहे हम, सच कह रहे हैं। आज तक तुम्हें हमारी चॉइसेस अच्छी लगी। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी इयररिंग्स, तुम्हारे बैंगल्स, सब कुछ हमने सजेस्ट किया है और तुम पे सूट हुआ है। तुमने शौक से पहना है वो सब। तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारा मेकअप, जो भी है हम बताते हैं और तुम्हें अच्छा लगता है। और आज आज जब इतने बड़े फैसले की बारी आई है तो तुम उन ताई जी की बातों में आ रही हो जिसका सजेस्ट किया हुआ रुमाल तक तुम यूज नहीं करती हो। चुप क्यों? बोलो ना गौरी, अगर हम गलत हैं तो हमें रॉन्ग प्रूव करके दिखाओ। अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? यकीन मानो हमारा गौरी, प्लीज। जैसे बचपन में हमने तुमसे कहा था कि हमने राम जी को देखा है, तब तुमने हमारी बात मानी थी ना, वैसे ही आज भी मान जाओ, युग जैसा दूसरा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। साक्षात राम भगवान का रूप है वो। खुश रखेंगे वो तुम्हें। काली, फिल्मी डायलॉग्स मारना बंद कर। गौरी, ये कोई फिल्मी डायलॉग्स नहीं है, समझने की कोशिश करो ना गौरी। लाखों में एक है वो लड़का, दिल का साफ, इरादों का पक्का, नियत में कोई खोट नहीं है उसकी, सच्चा इंसान है वो। 7 जन्म में भी एक बार मिलता है ऐसा लड़का। रियली अगर वो इतना ही अच्छा है तो तुम क्यों नहीं कर लेती शादी? एक मौका तो देकर देखूं ना उसे, प्लीज। यू नो व्हाट, एक्चुअली दैट्स अ गुड आइडिया। हमें तुम्हारे इस राम जी को एक मौका तो देना ही चाहिए, उसका टेस्ट लेकर। अगर वो इस टेस्ट पे पास हो जाता है तो हम उससे शादी कर लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता तो उसके बाद टाटा बाय बाय। राम जी कभी फेल नहीं हो सकते। वट एवर, अगर शर्त मंजूर है तो बोलो। मंजूर है। हमसे जो अपराध हुआ है उसकी माफी के लिए तो पता नहीं हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। हमें पता है कि आप इस शादी के लिए राजी नहीं हैं, पर हम वादा करते हैं कि आपका शादी के बाद बहुत ख्याल रखेंगे, आपको कोई दुख नहीं होने देंगे, ताकि आपका विश्वास पा सके। हम जानते हैं कि हमारे कारण आपके भाई और हमारी बहन की जिंदगी भी उलझ गई है, पर हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। देखा, परले दर्जे का बुद्धू है ये लड़का, बुद्धू। जिंदगी भर तुम्हारी उंगलियों के इशारों पे नाचेगा, बस नचा नचा के ले लेना अपना बदला। समझी कि समझाएं?
देखा, हमको तो पता था कि लड़का और परिवार बहुत ही अच्छा है। अब देखो ना, बेचारा कितना शर्मिंदा हो रहा है। हमें पूरा यकीन है शर्मिला भी धीरे धीरे उसको माफ कर देगी। दुख हमें इस बात का हो रहा कि हमारे कारण तुम्हें उसकी बहन से शादी करनी पड़ रही है। आपको पता है दी कि आपकी खुशी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं। मैं करूंगा उससे शादी। इस घर में सबसे करीब तो हम आपसे है ना मंशीमा, इसलिए आज जो हमने फैसला लिया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हमने एक फैसला लिया है। हम युग और गौरी के रिश्ते के बीच नहीं आएंगे। गौरी युग की ही होके रहेगी। काली के बारे में कोई भी फैसला कर पाना कितना मुश्किल हो रहा है। अपने आप में एक मिस्ट्री है वो। कभी तो अंधविश्वास की बहकी बहकी बातें करती है, तो कभी एकदम से सही बात कह देती है। कभी तो नीलू की साइड लेती है, तो कभी दी की, कभी सेल्फिश, तो कभी दूसरों की मदद को एकदम तैयार, कभी हमेशा ऐसा लगा कि कुछ छुपा रही है वो मुझसे। आपसे कभी कोई बात छुपाई है मंशीमा? हमारी सारी बातें तो आप जान लेती है मंशीमा। बहुत जरूरी बात हम आपको बताना चाहते हैं। आपने हमें एक चीज सिखाई थी जो हम आज से नहीं करेंगे। अब से हम नहीं गाएंगे। हम जानते आपने हमसे वादा लिया था कि हम हमेशा गाएंगे, लेकिन वो वादा नहीं निभा पाएंगे। काली ने वादा किया था कि वो गौरी से मिलवाएगी। आज उसी से शादी करने का फैसला करके मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गौरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा। क्या युग को पता है कि उनकी शादी गौरी से ही होने जा रही है, जिन्हें वो इतने दिनों से ढूंढ रहे? अब मुझे जानना ही नहीं कि वो आवाज किसकी है। युग को कभी नहीं पता चलने देंगे कि वो आवाज हमारी है। ये राज हमेशा हमारे सीने में दफन रहेगा। हम किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। युग और गौरी की शादी होकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ क्यों आए गौरी? दर्शन के लिए। क्या? You know what? यहाँ पे अभी थोड़ी देर में तुम्हारे रामजी प्रकट होने वाले हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, युग के बारे में हमने थोड़ा सा रिसर्च किया था और हमें पता चला कि वो यहाँ से जॉग करते हुए जाएगा। ऐसी बात थी तो तुम उससे अकेले में मिल लेती, हमें साथ क्यों लाई? दफा, अगर अकेले आ जाते तो टेस्ट कैसे लेते? टेस्ट? कैसा टेस्ट? ये क्या कर रही हो गौरी? और कैसा टेस्ट? टेस्ट अभी शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो सिर्फ प्रिपरेशन चल रहा है। सी, आई हैव अ प्लान। जैसे ही युग वहां से आएगा ना, हम अपनी गाड़ी वहां ऊपर से न्यूट्रल गियर में छोड़ देंगे। वो गाड़ी अपने आप तुम्हारी तरफ चलने लग जाएगी और फिर देखना ये है कि युग तुम्हें बचाता है या नहीं। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? देखो,
अगर तुम यहाँ से थोड़ा सा भी हिली ना तो शादी कैंसिल। गौरी ये कैसा बचपना है, तुम पागल हो गई हो क्या? जो है यही है, अगर चैलेंज लेना हो तो लो, else leave it। ये पागलपन है गौरी, इसमें चोट लग सकती है हमें भी और युग को भी। चोट से डर गई? तुम्हें अपने राम जी पर भरोसा नहीं है क्या? है, खुद से भी ज्यादा भरोसा है। There you go। अभी ये तुम्हें प्रूव करना है कि युग हमसे शादी करने के लायक है या नहीं। माई डियर काला टीका, मगर इसमें जान का खतरा है गौरी। So what? हमारी लाइफ भी तो स्टेक पर है ना, हमारे लिए भी ये जानना जरूरी है कि वो हमारे लायक है या नहीं। अरे लगता है तू डर गई, अभी तक तो तुझे बड़ा भरोसा था उस लड़के पर। हमें एक सेकंड के लिए लगा था कि साक्षात राम जी का रूप लेकर युग आया हो। गौरी बट लेट इट बी, तुम्हें जब खुद ही भरोसा नहीं है कि तुम्हारे राम जी ये कर पाएंगे या नहीं, तो हमारा फिर उनसे शादी करने का क्या मतलब है? हमें घर चलना चाहिए, लेट्स गो। गौरी शादी कैंसिल, तुम खुश और हम भी खुश। क्या हुआ? So you are ready? बस युग के आने का टाइम हो रहा है, हम फटाफट से गाड़ी पीछे लेते, तुम यहीं रुकना। काली गौरी को मना लेंगे, हमें इस बात का पूरा विश्वास। डार्लिंग जी, काली आपकी बहुत बड़की फैन है, आप जो बोलेंगे उसको कट टू कट फॉलो करेगी। क्या हुआ दीदी? बहुत भोला हो तुम दोनों, वो काली को तो समझे ही नहीं। मतलब? मतलब देवर जी, हम वो काली का नस नस पहचानते हैं। अरे जलन भरा है वो का अंदर, घर का भला देखा ही नहीं सकती हूँ। भाई तो शुरू से गौरी को अपना चीकना चुपड़ा बात में फंसा के ऊ का चाबी अपने पास धर ली है। ऊ तो कभी नहीं चाहेगी कि गौरी का शादी हो। ऊ भी ऐसा लड़का से जिसका ग्रह इतना अच्छा हो। But why? काहे की बहू, अगर गौरी का शादी हो गया तो उको काली का अपना काला टीका का जरूरत नहीं ना रहेगा। काली का वजूद है मिट जाएगा, और ऐसा सानो सौकत उका और कहां मिलेगा। काली ऐसा कभी नहीं चाहेगी किसी भी कीमत पर। और देवर जी, ये जो गौरी को मनाने का काम आप काली को दिए हैं ना, बहुत बड़का गलती किए हैं। ये गलती का कीमत आपको चुकाना पड़ेगा, सावधान रहिएगा। बहू समझाओ इनको। पता नहीं गौरी को ये आइडियाज कहां से आते रहते, उसको समझ में क्यों नहीं आता कि उसे युग के लायक बनना चाहिए बजाय युग के टेस्ट लेने के। युग को गौरी की नहीं, गौरी को युग की जरूरत है। उसके जैसा सुलझा हुआ इंसान ही उसे सही रास्ते पर ला सकता है। क्या करे, एक बार ट्राई करते। गौरी काली राम चंद्र कृपालु भजोगन, राम जी वही रक्षक।
काली आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है? इतनी देर से चला रहा कि हट जाओ, ध्यान क्या था तुम्हारा? वो हम, आपको चोट तो नहीं लगी ना? क्यों? लगनी चाहिए थी क्या? Oh, now I get it. ये तुम्हारी फैमिली का कोई नया पैंतरा होगा, हाँ? क्या मतलब, क्या चाहते क्या तुम लोग, हाँ? पूरी की पूरी फैमिली क्रैक। क्या ये? Can you explain this? वो हम प्रैंक खेलने की उम्र है तुम्हारी? यहाँ हमारी जिंदगी दांव पे लगी हुई है और तुम्हारे ये घटिया मजाक नहीं खत्म हो रहे? ये तो पूरा बब्बर शेर बना हुआ है, अगर अभी इसके सामने गए ना तो कच्चा खा जाएगा हमें। You know what? I hate you. ये तुम्हारा पल में हेड्स होना, पल में टेल्स होना का जो एटीट्यूड है ना, I just can't take it. हम माफी मांगते हैं। I'm sorry. बोल के क्या जताना चाहती हो तुम? कि तुम बहुत अच्छी हो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस काली झा, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। और अगर ये सब करके तुम अगर ये सोचती हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा, तो गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी शक्ल पे सिर्फ शराफत का नकाब है। तुम्हारे साथ शादी करना सिर्फ मजबूरी है मेरी और कुछ नहीं। अगर मेरी दी की जिंदगी का सवाल नहीं होता ना, तो कभी ना करता तुमसे शादी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे दिल और दिमाग के बीच में कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। भी क्या खेल खेल रही है मेरे से, जिसे मैं चाहता हूं उसे देख तक नहीं पाया और जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं उसके साथ जिंदगी निभानी पड़ेगी। प्लीज चुप हो जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। किस भगवान के लिए चुप हो जाओ, जो हमारी जिंदगियों के साथ खेल रहा है? आपकी शादी हमसे नहीं हो रही है।
ये भी तुम्हारा कुछ कोई नया झूठ होगा। नहीं ये सच है, ये झूठ नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कसम खा के कहते हैं हमारी शादी आपसे नहीं हो रही है। आपकी शादी बड़के पापा की प्रिंसेस उनकी बेटी के साथ हो रही है। विश्ववीर झा हमारे पिताजी नहीं है, वो हमारे बड़के पापा है। हम उन्हें बहुत मानते हैं, पर हम उनकी प्रिंसेस नहीं है।